अच्छा ये कैमरा है क्या? हाँ अच्छा ऐसा है भाई। चाय और मैगी ऑर्डर की है फिलहाल तो उसके बाद साई भाई तो निकल जाएंगे सर की तरफ। हाँ चाय और पहाड़ों वाली मैगी भाई। प्राइस इनका 600 एक वैसी वॉक करके आया था तो जो क्या नज़ारा है बाहर का ना भाई, इट्स अमेजिंग, इट्स टू गुड, मतलब जवाब नहीं है कोई यहाँ का। अभी दिखाता हूँ ऑल अबाउट पार्वती वैली। एक यहाँ से खीर गंगा का ट्रैक भी निकलता है तो 18 किलोमीटर का ट्रैक है पर आइडिया नहीं कि कोई ग्रुप मिलता है या क्या है कैसे, तो देखता हूँ। मणिकरण साहब यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। मलाना आई थिंक 5 या 7 किलोमीटर दूर हो गए यहाँ से। तो कुछ दोस्त बन गए हैं रास्ते में तो देखते हैं। तो अभी सुबह सुबह निकल चुका हूँ मैं चाय हंट पे। तो मस्त सी चाय मिल जाए यहाँ पे, मज़ा ही आता है। रात को जो भीड़ थी और सुबह 7 बजे इतना शांत, पूरा क्लाउडी हो रखा है मौसम, मतलब ये शाम की सड़क और अब की सड़क देखो। भाई साहब वो चाय मिलनी चाहिए अपने को, डेस्परेटली नीड चाय। चाय और कॉफ़ी जो मिल जाए काफ़ी। चाय नहीं मिल रही है भाई कहीं, चाय ढूंढ रहे हैं चाय। 11 बजे तक तो सब ये कौन सा अच्छा ये कैमरा है क्या? हाँ अच्छा ऐसा है भाई। टाइम लगा ऐसे हाथ वाला या किसी में फिट करने वाला है? फिट भी हो जाता है गाड़ी उड़ी में। हाँ मोटरसाइकिल में ना, मोटरसाइकिल में नहीं होगा। अच्छा गाड़ी में, गाड़ी में तो रख सकते हो ना। अच्छा ये कितने में मिलता है? अच्छा पार्क भी है इधर, नेचर पार्क। अच्छा तो जा सकता है। अभी तो जनता आ रही है यहाँ पे भाई, सुबह सुबह पहुँच रही है जनता। HRTC अमृतसर बिलासपुर मणिकरण। फाइनली अपने को मिली है कड़क चाय और बन। तो तब तक चाय और बन पी गया भाई, यहाँ पे दुकानें नहीं खुली हैं। पार्वती वैली और अभी मैं वॉक करते करते यहाँ तक आया हूँ। मुझे बस नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से मतलब बस ही करनी पड़ेगी मुझे, तो इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं उतरा हूँ बस से, इलेक्ट्रिक बस मिल गई थी मुझे हिमाचल रोडवेज़ की, और अभी मैं निकल रहा हूँ मतलब मणिकरण साहब की तरफ जा रहा हूँ सीढ़ियाँ उतर के। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। तो मणिकरण साहब इस जगह के नाम पे 2 बिलीफ्स हैं, एक सिख बिलीफ है और एक हिंदू बिलीफ है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो सिख बिलीफ है उसमें ये माना जाता है कि यहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी अपने डिसाइपल मर्दाना जी के साथ यहाँ पर आए थे। तो जब वो यहाँ पहुँचे तो मर्दाना जी को उस समय भूख लगी तो यहाँ पर कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं था, तो गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि जाओ खाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करके लेके आओ। तो लोगों ने उनको बहुत सारा आटा दिया रोटी बनाने के लिए दान में, पर जब वो वापस आए यहाँ पर कोई आग का सोर्स नहीं था, तो वो खाना कैसे बनाते। तो उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा। तो जब उन्होंने वो पत्थर उठाया और वहाँ से हॉट वाटर स्प्रिंग निकला, तो जैसे ही वो हॉट वाटर स्प्रिंग निकला श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को कहा कि आप यहाँ पे रोटियाँ बनाएं, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने रोटियाँ बनाई एंड श्री गुरु नानक जी ने उनको बोला कि अब आप प्रभु से प्रार्थना करें कि अगर ये रोटियाँ आपको फ्लोट होके वापस आती हैं तो मैं एक रोटी आपके नाम की चढ़ाऊँगा। तो जैसा श्री गुरु नानक देव जी ने कहा वैसा मर्दाना जी ने किया और वैसा ही हुआ। तो सारी रोटियां फ्लोट, जो भी उन्होंने रोटियां बनाई थी वो फ्लोट बैक होके उनके पास आई। तो इसलिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर दक्षिणा चढ़ाई जाती है अगर भगवान के नाम पर चढ़ाई जाती है तो वो आज भी वापस मिलती है, जो भी भगवान के नाम पर चढ़ाई जाती है। सहजे सच कर छे अपुरा कदना होए देवी न सिंगार बदल से देही न सब सिंगार है जिस सदा सदा सुख होए नानक गुरु बूझी है जिस नाम लाए देखा ले सो। सूल सुराही खंजर प्याला ये जो रास्ता है ये जा रहा है उस हॉट वाटर स्प्रिंग की केव की तरफ। इट्स टू हॉट। मतलब पैर इतने गर्म हो गए हैं ना नीचे से। तो अभी आ रहा हूँ मैं शिव मंदिर, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब के साथ में ही है और यहाँ पे भी हॉट वाटर स्प्रिंग का कुंड है जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और सीढ़ियाँ तक गर्म हो रखी हैं। और यहाँ पे चावल बनाए जा रहे हैं। ठीक है यहाँ पे कि यहाँ पे माना जाता है कि शिवजी जी और पार्वती जी को ये जगह बहुत पसंद आई थी, तो वो यहाँ पर विचरण करने के लिए आए थे और उसके बाद यहाँ पे 1100 साल तक यहाँ पर रहे। तो जो उन्होंने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया उस दौरान माता पार्वती जी की एक मणि पानी में खो गई। तो जब माता पार्वती जी ने शिवजी जी को ये बात बताई तो शिवजी जी ने अपने डिसाइपल्स को बोला कि जाओ वो मणि ढूंढ के लेके आओ, परंतु वो फेल हो गए, वो मणि ढूंढ के नहीं ला पाए, जिससे शिवजी जी क्रोधित हो गए। जैसे ही शिवजी जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी, तीसरी आँख खोली तो यूनिवर्स में पूरा कैओस हो गया। तो उसको उनको काम करने के लिए शेषनाग जी ने हिस्स की, तो वहाँ से एक हॉट वाटर स्प्रिंग निकला और वहाँ से काफ़ी सारी मनी निकली, जिससे पार्वती माता और शिवजी जी खुश हो गए। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम मणिकरण साहब बोला गया और यहाँ पे मनी को काफ़ी विशेषता दी गई है। तो ये धारणा है। मणिकरण साहब मंदिर से होते हुए और वहाँ शिव टेम्पल से होते हुए इस तरफ बाज़ार से निकल के इस तरफ आया हूँ। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल रामा टेम्पल है, नैना माता टेम्पल है और रघुनाथ टेम्पल है और नेचुरल हॉट स्प्रिंग का सोर्स भी है कि यहाँ पर। और यहाँ पे और बहुत बड़ी मार्केट है, अंदर ही अंदर काफ़ी क्या बोल सकते हैं उसको, सोविनियर्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, हिमाचली कैप, टोपी, प्राचीन श्री राम मंदिर का ये रास्ता हुआ है यहाँ से ना पूरी वैली का। दोस्तों मैं आज आया हूँ यहाँ पे, आई लव टर्कोइज कैफ़े कसौल। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर साइड, और यहाँ पे मस्त खाने का माहौल बन जाएगा। आज नई जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और यहाँ का हिमाचल का फेमस फिश है ट्राउट। सो व्हेन यू आर इन डाउट ईट ट्राउट। और ये ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, so which is really amazing. Let me show you the outside side of it. It's amazing. Soothing sa music wala bas shaan sa. Have a look. तो फिर से हम सेम जगह पे आ चुके हैं अड्डे पे, क्योंकि पूरे कसौल में यहाँ जैसा माहौल कहीं नहीं है। तो आज अपने साथ एक नए भाई जुड़े हैं, मुंबई से हैं, ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर द साई एक्सप्लोरर। भाई से मिलाता हूँ आपको। ये हमारे साई भाई मुंबई से आए हैं, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं साथ में। मस्त टैग है यार बार काउंटर, साथ में ही है। भाई जो भी है दोस्तों। अभी निकल चुका हूँ मैं, रेडी होके फटाफट फ्रेश होके मैंने कहा चलो आज बाहर जाते हैं। तो मेरे को कल साई भाई मिल गए थे, और मैं साई भाई के साथ आया हूँ अभी उनको एक लोकेशन दिखाने। तो भाई आज तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से मौसम और बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो गया है। इट्स अमेजिंग, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और कैमरा कितना जस्टिफाई कर सकता है इस चीज़ को, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बट आई ट्राई टू शो यू। और मेरे साथ साई भाई खड़े हैं, वो भी अपना शूट कर रहे हैं। तो भाई अभी हम साई भाई को घुमा कर ले आए हैं, और यहाँ पर बैठे हैं, चाय और मैगी ऑर्डर की है फिलहाल। तो उसके बाद साई भाई तो निकल जाएंगे कुल्लू की तरफ। पहाड़ों वाली मैगी बोल रहे हैं। हाँ, चाय और पहाड़ों वाली मैगी। भाई साई भाई की तरफ से स्पेशल रिक्वेस्ट आई है। तो इसके बाद साई भाई तो निकल जाएंगे कुल्लू के लिए, और मैं यहीं पे स्टे करूँगा आज। थोड़ी बहुत शॉपिंग, कुछ सोविनियर्स टाइप की रिंग कुछ समथिंग, और आज रूम पर अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि फालतू में एग्जर्शन लेने का मतलब नहीं है। जो चीज़ घूमो अच्छे से घूमो, थोड़ी घूमो और उस चीज़ को फुल एंजॉय करो। क्यों साई भाई, सही बोला ना मैंने? कम घूमो, थोड़ा घूमो, पर उसको अच्छे से घूमो। क्वालिटी एक्चुअली क्या है पता है दोस्तों, मुझे ना यहाँ पर आके ऐसे गाने पीने सुनना पसंद नहीं है। यहाँ पर आके नेचर साउंड सुनो ना यार, वो नदी के बाजू में बैठने के बाद जो है ना, जो वो फ्लो का साउंड सुनने में जो मज़ा है ना, जंगल में जाने के बाद जो पंछी जो साउंड करते हैं ना, वो सुनने का जो मज़ा है यार, यहाँ पर आके गाने पीने सुनने में कुछ मज़ा नहीं है यार। बात तो सही है, तो यार यही पसंद है। तो बाइक के साथ इसीलिए हम यार ये ऐसे बाइक वगैरह लेके नहीं है, बस थोड़ा जितना हो सके उतना नेचर एक्सप्लोर कर रहे और मुझे भी एक्सप्लोर करवा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। भाई क्या नाम आपका? नरेंद्र। कुदी तो धुएं कुदी थे इतनी दे। तो नरेंद्र भाई को हमने बोला है कड़क चाय और पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। हाँ 4:30 5-6 बजे केड़ी बस जाए मंडिया जो फिर निकल जाना ना इस टाइम में।